തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന് ശേഷം ബി ജെ പി ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുകയാണ്. आज महाराष्ट्र ने विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत किया है. मैं देश भर के भाजपा के एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं. मैं श्री एकनाथ शिंदे जी, मेरे परम मित्र देवेंद्र फडणवीस जी, भाई अजीत पवार जी, उन सब की भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं. साथियों, आज देश के अनेक राज्यों में उपचुनावों के भी नतीजे आए हैं. नड्डा जी ने विस्तार से बताया है, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं. लोकसभा की भी हमारी एक सीट और बढ़ गई है. यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान ने भाजपा को जमकर समर्थन दिया है. असम के लोगों ने भाजपा पर फिर एक बार भरोसा जताया है. मध्य प्रदेश में भी हमें सफलता मिली है. बिहार में भी एनडीए का समर्थन बढ़ा है. ये दिखाता है कि देश अब सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है. मैं महाराष्ट्र के मतदाताओं का, हमारे युवाओं का, विशेषकर माताओं बहनों का, हमारे किसान भाई बहनों का, देश की जनता का आदरपूर्वक नमन करता हूं. साथियों, मैं झारखंड की जनता को भी नमन करता हूं. झारखंड के तेज विकास के लिए हम अब और ज्यादा मेहनत से काम करेंगे और इसमें भाजपा का एक एक कार्यकर्ता अपना हर प्रयास करेगा. साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्र ने आज दाखवून दिले तुष्टीकरणाचा सामना कसा करायचा. छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहूजी महाराज, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब आंबेडकर, वीर सावरकर, बाला साहब ठाकरे, ऐसे महान व्यक्तित्वों की धरती ने इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए.
और साथियों, बीते 50 साल में किसी भी पार्टी या किसी भी प्री पोल अलायंस के लिए ये सबसे बड़ी जीत है। 50 साल के बाद और एक महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं, ये लगातार तीसरी बार है जब भाजपा के नेतृत्व में किसी गठबंधन को लगातार महाराष्ट्र ने आशीर्वाद दिए हैं, विजयी बनाया है।